अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन शेरवारी। बहुत ही आसानी से बनती है, दो तीन स्टेप्स हैं इसमें, कोई मुश्किल नहीं है। तो हम एक किलो हमने चिकन लिया है, ये साफ़ी चिकन है। आधा किलो टमाटर हैं, कुछ मिर्चें हैं, सब्ज़ धनिया ये गार्निश करने के लिए, लहसुन है और थोड़ी सी ये अदरक ली है। कुछ मसाले हैं वो इंशाल्लाह जब हम इसमें शामिल करेंगे तो फिर आपको बताएंगे। सबसे पहले हमने अभी चिकन को और सब्ज़ियों को अच्छे तरीके से वाश कर लेते हैं और फिर उसके बाद पहले सफाई फिर पकवाई। आग हमने जला दी है और बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बारिश हुई हुई थी, लकड़ियाँ गीली थी, बनानी हमने आग लकड़ियों की आग पे थी। गैस हमें लगानी नहीं है क्योंकि गैस से हमारी दुश्मनी है। आग जल गई है, अभी सब्ज़ियाँ धोते हैं फिर आते हैं इस तरफ। सबसे पहले हमने चिकन को अच्छी तरह से वॉश करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऊपर की तह जो है इसकी हमने उतार लेनी है। सब्ज़ियाँ हमारी साफ़ हो गई हैं, गोश्त भी हमारा साफ़ हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चूल्हा हमारा सही तरह गर्म हो चुका है, आग जल चुकी है। अभी कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा लेंगे और कढ़ाई में डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हमने सही तरह गर्म होने देना है, उसके बाद फिर हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल जो है हमारा सही तरह गर्म हो चुका है, अभी चिकन शामिल करेंगे इसमें आहिस्ता आहिस्ता। चिकन हमने शामिल कर दिया है, अभी इसको साइडें चेंज करनी है ताकि ये तेज़ के साथ चिपक ना जाए। एक दफ़ा इसको हिला के इसकी साइडें चेंज करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। एक साइड ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इस साइड को दोबारा चेंज कर देंगे। जब तक चिकन फ्राई हो रहा है तब तक हम धनिया वगैरह काट लेंगे। धनिया का अभी टाइम तो है नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से मिला है। यह भी बड़ा महंगा, अभी सावन के महीने में जो है धनिया नहीं होता, ये बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया है। थोड़ी सब्ज मिर्च जो है कुछ हमने लंबी काटनी है और कुछ हम इसकी साइडें चेंज कर लेंगे। हल्का हल्का शुरू हो गया ब्राउन होना, इसको तकरीबन 70% तक हम ब्राउन करेंगे और उसके बाद टमाटर जो है इसके अंदर शामिल कर देंगे। अभी लहसुन और अदरक जो है हम लंगड़ी में कूट लेंगे, इसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है, अभी इसको हम शामिल करेंगे। अभी 2 से 3 मिनट तक हमने
इसको मज़ीद फ्राई करना है और उसके बाद हम टमाटर शामिल कर देंगे। अभी सब्ज़ मिर्च तकरीबन 4-1 पीस शामिल करेंगे। टमाटर पूरे के पूरे डालने हैं, काटे नहीं हैं। अभी कवर करके इसको 5 मिनट तक छोड़ देंगे। इस तरह स्टीम से जो टमाटर का छिलका है वो उतर जाएगा और उसके बाद छिलका उतार के टमाटर बीच में कूट देंगे। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं, अभी हम चेक करेंगे। माशाल्लाह, चिकन भी बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो चुका है और ये टमाटर भी देखें, छिलका इनका उतरना शुरू हो गया। अभी इनका फ्राई की एक साइड चेंज करेंगे और छिलका इनका उतार लेंगे। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसके अंदर। अभी तक कोई मसाला शामिल नहीं किया गया, सिर्फ इसके अंदर नमक और सब्ज़ मिर्च शामिल हैं। इसको हम मज़ीद पकाएंगे जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ता, टमाटर भी अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो जाते इसके अंदर, उनका पानी जब तक खुश्क नहीं होता तब तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद हम गार्निश करने के लिए धनिया वगैरह शामिल करेंगे इसके अंदर और हमारी शनवारी जो है बेहतरीन किस्म की तैयार हो जाएगी। हम चेक करते हैं क्या सूरत हाल है, और पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ऑयल बिल्कुल बाहर आ चुका है। उनके हम चेक करते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। अभी जो है ऑयल है एक्सप्रेस में से निकाल लेंगे। अभी हम अदरक सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया के साथ इसको गार्निश करेंगे। ये हमारी बेहतरीन सी चिकन शनवारी जो है बन के तैयार हो चुकी है, अभी हम उसको टेस्ट करेंगे फिर आपको बताएंगे। माशाल्लाह हमारी शनवारी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है, अभी हम चेक करते हैं कि किस तरह की बनी है और आपको बताते हैं। रोटी हम थोड़ी सी तोड़ लेंगे। बिस्मिल्लाह, बहुत गर्म है। तीन माने मज़ा आ गया बहुत। अभी हम शनवारी खाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। घर में आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत सी दुआओं के साथ अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।